वाह, आप देख सकते हैं बर्फ और क्या पानी है। ये पानी मतलब वो सामने आपको दिख रहा है वो बर्फ है, क्या आपको लगे कि वो पत्थर है, वो बर्फ जम गया है ब्राउन कलर का जो है। एंड क्या व्यू है, हवा मतलब नेक्स्ट लेवल ठंडी हवा है यहाँ पे। तो हमने पूरा राइडिंग गियर्स पहना है तो जिस वजह से उतना फील नहीं हो रहा है, बट बहुत तेज़ हवा आ रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रहा है। सो यहाँ पे अभी बर्फ़ है नहीं, पिछली बार आपको दिखाया था सेम जगह बर्फ़ ही बर्फ, दिस टाइम नो बर्फ बट हवा सेम है, उतना ही तेज़ हवा चल रहा है यहाँ पे। हवा में कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे अभी एक टेबल चेयर भी लग गया है, जो यहाँ पे घर था प्रॉपर टेंट वाला वो अभी गायब है, उस साइड लगा हुआ था। सो यहाँ से अभी निकलेंगे हम, राइट साइड लेना है वो वाला रूट टुवर्ड्स काजा। पिछली बार यहाँ पे पूरा बर्फ़ जम गया था, पूरा ही बर्फ, पूरा वैली आगे तक बर्फ़ ही बर्फ़ था, इस टाइम पे नहीं है। सो वाह, मज़ा आ गया यार यहाँ पे बिल्कुल ही। एक बार तो आपको आना चाहिए इस साइड, सो ताकि आपको भी मतलब प्रॉपर आइडिया हो, प्रॉपर पता लगे कि मतलब रोहतांग टनल जो बनाया है वो रहा कितना ज़बरदस्त चीज़ है। और ये है ब्रिज जो अपना पूरा प्रॉपर, चलते चलते मैं ब्रिज की तरफ आ गया हूँ। नदी पीछे साइड पूरा बह रही है, फुल जोश में, फुल पानी नदी में, और ज़बरदस्त लग रहा है यार। मतलब मौसम जो है पूरा परफेक्ट है गाज़ा में इस टाइम, ये जो मौसम चल रहा है बहुत ज़बरदस्त मौसम चल रहा है, इससे बेटर नहीं हो सकता मौसम। ओ भाई क्या हवा है, क्या हवा है। सब्सक्राइब कर दो यार और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो, ऐसे एडवेंचर वीडियोस आते रहते हैं मेरे चैनल पे, सो डू सब्सक्राइब टू देव कपूर फिल्म्स। एंड चलो अब डायरेक्ट आप स्लो मोशन देखो। वीडियो तो हमने ले लिए, आप बताओ कि स्लो मोशन वीडियोस आपको कैसे लगे। मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त लगा, और खतरनाक हवा आ रहा है, माइक पे भी हवा की आवाज़ आ रही होगी 100% नो डाउट, खतरनाक है। फोटोग्राफी हो गई पीछे अपनी काजा के बोर्ड। ओहो वाह खतरनाक, काजा वाली फ्लैग उड़ रहा है, बैग इज कम्प्लीटली पैक्ड, अनसेफ एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओहो भाई साहब मज़ा आ जाएगा, अब मज़ा आ जाएगा और कुछ नहीं है। चलो जल्दी से जल्दी फिर निकलते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं कुछ काम।
बढ़िया से मज़ेदार बिल्कुल ट्रिप। अभी लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ट्रिप होगा सक्सेसफुल, और क्या बोले बंदा, कुछ लफ्ज़ ही नहीं है ये सब चीज़ों के लिए कुछ बोलें। बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट यहाँ पे अभी ठंडी इतना ज़बरदस्त नहीं है, जो प्रॉपर ये हवा चल रहा है ये प्रॉपर मतलब है, प्रॉपर मतलब इन द सेंस कि ठंडा गर्म एंड ठंडा गर्म मिक्स वाली हवा है। तो मैं इसलिए बार बार मुझे बना हुआ कि वहाँ पर हेलमेट रखा हुआ लगा है गिर जाए। चलो तो इसीलिए यहाँ पे अभी यहाँ से निकलते हैं जल्दी से जल्दी, और सितंबर में अगर आते हो तो डायरेक्ट यहाँ तक आओ, यहाँ से आगे जाओगे तो मैं बताऊँगा आपको। बट यहाँ पे भी मौसम सही है, बहुत सही है, ना ठंडी ना गर्म, ना परफेक्ट थिंग, सितंबर परफेक्ट मौसम लग रहा है, थोड़ी बहुत बारिश बट परफेक्ट है एयर वाइज। तो फिर चलते हैं यहाँ से। चलो जल्दी से जल्दी आपने सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और मैं मिलता हूँ फिर आपको आगे। चलो गाँव अपना काजा 144, ग्रम्फू 13, चंद्रताल 77। चल तो ये रहा अपना ग्रम्फू के तरफ रोड, जो कि पूरा ही खाली है। पिछली बार हम इसी रोड पे आए थे जो कि बर्फ़ ही बर्फ़ था, और इस बार बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। और यहाँ पे अटल टनल के बाहर ये जो रोड है यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और बारिश होने के चांसेस भी नहीं लग रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी। पूरा सूखा है, पूरा बढ़िया है। तभी मैंने बोला था दिस इज़ द अदर साइड ऑफ अटल टनल रोहतांग, सो दिस इज़ अटल। ये सारे टेंट वाले अब यहाँ पे आ चुके हैं, एंड लैंडस्केप देखो आप, वाह। तो यहाँ पे चल रही है ब्रोकली की पूरा फसल, और रोड का स्ट्रेस देखो आप एक बार, क्या ज़बरदस्त है। और ये घर देखो, पूरा पत्थर होता है पहाड़ के नीचे, बीचों बीच बना है छत जो है इसका, पहाड़ है। सो यहाँ पे थोड़ा सा बैरिकेडिंग किया गया है। पानीपुरी वाला यहाँ पे भी है, बाप रे बाप, 11,000 फीट में पानीपुरी वाला, वाह। रोहतांग पास 21 किलोमीटर, ग्राम पूछे। अबे ये क्या बकचोदी है, फिर कैसे जाएंगे? सो यहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए हैं, और वहाँ पे वो जगह एंट्री के लिए है, काजा जाने से पहले वहाँ पे आपने एंट्री करना है और बाइक नंबर और नाम लिखवाना है। और ये है कुछ शॉप्स अपने, और यहाँ पे फार्मर्स किचन ये वो, बाकी पहाड़ नज़ारे कैसा लग रहा है बताओ। नया होटल वोटल बन रहा है अपना, और सब बढ़िया है। तो फिर यहाँ से चलते हैं सीधा डायरेक्ट काजा के लिए, रस्सी जो है उसे नीचे करनी है, और सीधा यहाँ से फिर काजा के लिए निकल जाएंगे उस तरह। फिर मैं आपको मिलता हूँ सीधा काजा में, काजा के रोड पे। चलो तब तक के लिए कम ऑन, बाय। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज काजा टाइम, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स काजा राइट नाउ। रस्सी नीचे हो चुकी है, सो काजा के लिए हम निकल चुके हैं। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू द काजा वैली। और ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, हम जाएंगे पूरा मिड पॉइंट पे काजा के। सो रोड हमें वहीं लेके जा रही है, सो मज़ा आ जाएगा अभी इस बार। क्या मौसम है, यहीं पे मैंने आपको दिखाता सारा बर्फ़ ही बर्फ़ था यहाँ पे चल चल के हम जा रहे थे। एंड आज के टाइम पे यहाँ पे पूरा ग्रीन है, सेप्टेम्बर में उस टाइम था दिसंबर, सो बहुत ही ज़बरदस्त है, पूरा ग्रीनरी है, लैंडस्केप्स देखो आप, मज़े लो वीडियोस का।
नज़ारे हैं, क्या पहाड़ है। जितना बोलूं वही सेम बात कम है, क्या ही डिस्क्राइब करूं मैं इस चीज़ों को। बीआरओ ने क्या रोड बनाया है, नेक्स्ट लेवल रोड्स। अब बीआरओ ऊपर देखो पूरा बादल, और नीचे हो रही है ब्रोकली की अपनी फसल, इम्पोर्टेड ब्रोकलीस जो अपने यहाँ पे काजा में बनते हैं। ये जो 5-10 घर हैं इन्हीं लोगों ने ये फार्मिंग करते हैं, ये सारा एक्सपोर्ट होता है बाहर को। और पानी के लिए वो रहा झरना डायरेक्ट वहाँ से, पर नहीं यहाँ। सो और क्या बोले, हर जगह ही ब्रोकली का फार्मिंग चल रहा है। आपको एक्स्ट्रा डीप ग्रीन दिख रहा होगा उस साइड, तो वही जगह है, बाकी नज़ारे तो आपके सामने ही है। और बादल वो ऊपर है पहाड़ों के बीचों बीच। यहाँ तो कैमरा क्या ही बंद करूँ मैं और क्या दिखाऊँ, खुद समझ नहीं आ रहा मुझे। बाकी नज़ारे फुल पैसा वसूल है इन नज़ारों की यहाँ पे। पश्मीना जो आपने सुना होगा, कश्मीर वाली ऊल, ये देखो वो सारे। माउंटेन शिप साइड में ऐसे झरने, और ऐसे बढ़िया रोड, और इस तरफ ये नज़ारे, और क्या चाहिए आपको। नज़ारा तो वैसे पूरा 360 डिग्री ही ज़बरदस्त लग रहा है बाकी, बट क्या ही बोलूँ मैं। फिर से आ गया झरना, ये देखो और हमें जाना है ऊपर। मस्त है दुनिया में, आपने लाइफ में कितना भी कुछ कर लिया हो, ये चीज़ें जितने बार करोगे उतने बार आपको गूज बॉम्स आएंगे, जो मुझे आ रही हैं अभी फ़िलहाल, और आपको वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे। यहाँ पे हो जाएगी चेकिंग, कैमरा ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं। ये है अपना प्रॉपर ग्रम्फू, ये ज़्यादा रोहतांग ऊपर होते हुए, बट इस रोड से हम जा नहीं सकते, हमें जाना है इस रोड से ग्रम्फू 0 किलोमीटर, काजा इज 139। तो चलते हैं फिर सीधा यहाँ से अपना काजा के लिए। चलो बाइक पे बैठते हैं और चलते हैं।